और इधर आजम के बड़े बेटे अदीब आजम का रामपुर प्रशासन पर एक और आरोप। प्रशासन लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, ये अदीब आजम कह रहे हैं, और प्रशासन की वजह से पोलिंग बूथ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन कितना भी परेशान कर ले, जीतेंगे हम ही, ये कह रहे हैं अदीब आजम। कोई सुन नहीं रहा है, ऐसे में शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, अदीब आजम का कहना है। आजम के बड़े बेटे अदीब आजम का बयान। आजम खान के बड़े पुत्र अदीब आजम हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। अदीब, आप खुद मतदान स्थल पर आए हैं, कहीं पे वोटर नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है? मेरी अपील है इंतजामिया से कि लोगों को वोट डालने दें। लोग इसलिए वोट डालने दें कि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। अगर आप वोट नहीं डालने देंगे फिर इलेक्शन कैसे होगा फिर? और ये तो हर व्यक्ति का राइट है ना वोट डालना, हर इंसान का राइट है वोट डालना। तो वोट डालने दें ताकि एक फेयर इलेक्शन हो। लग रहा है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, इसलिए लोग मतदान स्थल पर नहीं आ रहे। आप बूथ देखिए, कोई है कहाँ बूथों पे? अब कोई है दिख रहा है? मेरे सिवा चंद लोगों के सिवा कोई है ही नहीं बूथ पे। पहले कैसी यलगार होती थी, लोग आते थे बिना डरे, आते थे बिना खौफ के आते थे। तो लोग वोट डालने दें, खुशी से डालने दें। लोग डर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आपके वालिद भी लगातार यही आरोप लगाते रहे हैं कि यहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जो प्रत्याशी वो भी आरोप लगाते रहे हैं। क्या आप लोग शिकायत कर रहे थे तो कोई असर हुआ है उस चीज़ का? कोई शिकायत नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला नहीं है, क्या कर सकते हैं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई शिकायत करेगा तो भी कौन सुनेगा? आप लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप लोग को लगा है कि आप समाजवादी पार्टी जीत पाएगी जिस तरीके से आप? बिल्कुल जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे, लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। आपके भाई भी यहाँ पे वोटर हैं, आपकी माता जी भी हैं, तो वो लोग कितनी देर में यहाँ पे आके मतदान? मेरे ख्याल से एक घंटे में आते होंगे, हाफ एन आवर में, आधे घंटे में वो लोग सब लोग आते होंगे। बाहर आप जब घूम रहे लोगों से बातचीत कर रहे तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादती हो रही है हमारे साथ, कोई पर्ची फाड़ दे रहा है, कोई बैग फेंके दे रहा है, कोई आप देखिए ना सब शोर। आज तो इतना हाईटेक जमाना है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे लोगों के खून निकाल दिया है, हाथ से लोगों को मारा है। तमाम सारे आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है सुबह से, उसको लेकर के सोशल मीडिया पे ट्वीट भी कर रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें रामपुर के अंदर, तो मतदाता जो है लगातार नदारद दिख रहा है पोलिंग स्टेशन से, और जो मतदान प्रतिशत है वो भी काफ़ी कम है। और अब्दुल्ला आजम के बड़े भाई अदीब आजम बता रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम और उनकी जो माता हैं तंजीन फातिमा, वो भी कुछ देर में यहाँ पर आएंगी और मतदान करेंगी। कैप्टन सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, रामपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाला। वोट डालने के लिए लाइन में खड़े नकवी ने एबीपी गंगा संवाददाता से कहा, लोकतंत्र के पर्व में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। ये है जिला ग्राम्य विकास संस्थान दनियापुर रामपुर। ये रामपुर विधानसभा सीट जो है शहर, उसी का एक पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो मतदान करने के लिए आए हैं, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी जी का जो है पोलिंग स्टेशन यही पड़ता है। और दिल्ली से चल करके मतदान करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर पहुँचे हैं साथ में, क्योंकि मतदान जो है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और अपने मत का प्रयोग करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो रामपुर पहुँच गए हैं, और जो लाइन है मतदाताओं की उसमें आकर के खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि नकवी जी से हम बात करने के लिए। नकवी जी, ये बताइए, दिल्ली से चलकर मतदान करने आए, कितनी महत्वपूर्ण है मतदान करना, और क्या कहना चाहिए? हर मतदाता को अपने मतदान करना चाहिए और मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। इस लोकतंत्र के पर्व में सबको हिस्सेदारी भागीदारी करनी ही चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।